Hey kids, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and safe at your home. Stay at your home. Okay? Now, first we start our class. So first we doing Gayatri Mantra. Okay? सबसे पहले हमें क्या करना है, गायत्री मंत्र से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे. ओके एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. ओके नाउ रिपीट विद मी. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. नाउ ओपन योर आईज एंड डाउन योर हैंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. ओके फर्स्ट वी विल डूइंग टुडे मैथ्स काउंटिंग ओरल. लास्ट हम अब तक करते आए हैं 1 से 20 तक काउंटिंग, बट आज मैम आपको वन लाइन और एक्स्ट्रा ओरल करवाएंगी. आज हम ओरल करेंगे ओरल ऑफ मैथ्स काउंटिंग 1 to 30. 30 लास्ट हम कहाँ तक हमने काउंटिंग का ओरल किया था, जी.
क्या किया, 1 to 30 काउंटिंग भी की और हमने ओरल वर्क भी किया काउंटिंग वाले पोयम से। सो अब हम अपनी इंग्लिश की पोयम का रिवीजन करेंगे, हम्प्टी एंड डम्प्टी। ओके, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए बॉल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए बॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस, ऑल द किंग्स मैन कुड नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। दोबारा से रिवाइज करते हैं, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए बॉल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए बॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस, ऑल द किंग्स मैन कुड नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। अच्छी थी। सो ये वाली पोएम हमें लर्न करनी है, डेली घर पे रिवाइज करेंगे। ओके, नाउ अब हमारी हिंदी की पोएम की बारी आती है। लास्ट हमने कौन सी की थी, लाला जी वाली, है ना। सो अच्छी है, सब याद करेंगे और मैम आपको रिवाइज करवाएगी। ओके, गाल फुलाएंगे सब पहले। गाल फुलाए तोंद बढ़ाए, गाल फुलाए तोंद बढ़ाए, नन्हे जी लाला बन आए, गाल फुलाए तोंद बढ़ाए, नन्हे जी लाला बन आए, मुँह से मीठा बोल बोल कर, मुँह से मीठा बोल बोल कर, देते सौदा तोल तोल कर। अच्छी है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। गाल फुलाए तोंद बढ़ाए, गाल फुलाए तोंद बढ़ाए, नन्हे लाला जी बन आए, मुँह से मीठा बोल बोल कर, मुँह से मीठा बोल बोल कर, देते सौदा तोल तोल कर। सो ये दो पोएम आपको लर्न करनी है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। ओके, नाउ अब अपनी बारी आती है शेप्स रिवाइज करने की। लास्ट 2 डेज से मैंने आपको शेप्स करवाई हैं, सो आज हम इनका एक बार अगेन रिवाइज करवाएंगे। 5 शेप्स मैंने आपको करवाई हैं। ओके, नाउ देखो मैम आपको शो कर करके दिखा रही है। यस, विच शेप इज दिस, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, बिकॉज हर ये सारी लाइनें चारों तरफ की इक्वल है ना, ऑल लाइन्स आर इक्वल। नाउ सेकेंड शेप इज सी हियर, विच शेप इज दिस, सर्किल यानी गोल, क्या बोलेंगे इसको, गोल। और जो ये आपने स्क्वायर बोला था, मैंने स्क्वायर बताया था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चौकोर, इसकी चारों तरफ की साइड इक्वल। तो दो शेप कौन सी हो गई हमारी, दो शेप्स, चौकोर, स्क्वायर, सर्किल, गोल। नाउ दिस वन इज ओवल, दिस इज ओवल यानी अंडाकार, क्योंकि ना तो ये गोल है, गोल तो बिल्कुल गोल है, ये देखो ये गोल भी नहीं है और चपटी भी नहीं है, तो ये क्या है, अंडाकार, ओवल। ओके, नाउ थर्ड, नंबर थर्ड, दिस इज ट्राइंगल, विच शेप इज दिस, ट्राइंगल, बिकॉज दिस शेप इन 3 sides, इन दिस शेप 3 sides, 1, 2 and 3, दिस इज ट्राइंगल। नाउ लास्ट रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल यानी आयताकार, इधर से इसके आमने सामने की यानी फ्रंट टू फ्रंट वाली शेप्स यानी लाइंस इक्वल इक्वल है, आमने सामने की जो ये है इक्वल है इधर की और इधर की, तो ये क्या है, आयताकार, आमने सामने की जिसकी भुजाएं बराबर होती है वो आयताकार। सो किड्स, अब हमने आज क्या किया है, 1 to 30 तो हमने काउंटिंग ओरल वर्क किया है और मैथ में शेप्स का हमने आइडेंटिफिकेशन किया है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड ओवल। ओके, सो 5 शेप्स वी विल लर्न टुडे। ओके, हमने 5 शेप्स आज लर्न की हैं, ओवल,
triangle, rectangle, square and circle. Now everyone learn it, okay? And these poems जो मैंने आपको poems करवाई हैं English की और Hindi की. In English Humpty Dumpty and in Hindi नन्ने जी लाला बन आए. Okay, everyone revise it and send me your video. Okay, bye everyone. Have a nice day. Bye.